माटी का मिला है ये तन, माटी में मिल जाएगा। पंच तत्व का बना पिंजरा, एक दिन ये उड़ जाएगा। जाते जाते अगर कर सको नेक कोई ये काम, कभी मर कर के भी काम आ सको, अमर होगा नाम कभी। मेरा नाम मलका महेश्वरी, मैंने अपना फैशन डिजाइनिंग क्षेत्र चुना और उसमें मैंने काफ़ी काम किया फैशन लाइन में। उसके अलावा फिर मेरा धीरे धीरे जैसे शौक बढ़ा तो मैं फिर कविताएं लिखने लगी, तो मेरी कविताएं और कवियत्री के रूप में मैं प्रतिष्ठापित हूँ इस समय। हमारे पिता ने सिखाया, हमारे दादा दादी ने सिखाया कि धर्म पर कैसे चलते हैं, राष्ट्र के लिए कैसे हम अपना जीवन देते हैं। हमारी माँ ने सिखाया कि आपका अपना जीवन अपने लिए है, आप अपने लिए जीकर देखिए और कुछ समाज के लिए कुछ करके दिखाइए। डरने से कभी कुछ हासिल नहीं होता। हिम्मत आदमी के साथ हो, आपका विश्वास आपके साथ हो, तो आप बड़ी से बड़ी जंग फतेह कर सकते हैं। परिस्थिति बहुत सारी आएंगी, तकलीफें बहुत सारी आएंगी, पर अपने आप को आप कैसे खुश रख सकते हैं ये आपके अपने ऊपर है। अपने दिल की चाबी आपने सबको नहीं दे रखी है, आपके दिल की चाबी आपके पास है। मेरा जन्म स्थान उत्तर प्रदेश कासगंज एटा डिस्ट्रिक्ट का है। मेरी माँ का नाम जगदम्बा चोला है और मेरे स्वर्गीय पिता श्री का नाम हीरालाल जी चोला है। मेरे पिताजी के हार्डवेयर की दुकान थी और शहर की सबसे प्रतिष्ठित दुकान थी, ज्वाला प्रसाद एंड सन्स करके उनका फर्म का नाम था, और जिसमें ये कुटी की मशीन, पाइप्स और अनेक प्रकार के उनके पास सामान रहता था। मैंने अपने पिता से सीखी सेवा, कड़ी धूप में कितने किलोमीटर पैदल चल के, जहाँ साधन नहीं होते थे बैलगाड़ी पर सामान रख के लेकर जाते थे, और वहाँ हैंड पंप लगा के आते थे जहाँ पानी नहीं होता था। मीलों खुदाई करने के बाद पानी निकलता था, वहाँ हैंड पंप लगा कर आते थे। अनेकों अनेक हैंड पंप उनके द्वारा डिस्ट्रिक्ट एटा में उनके द्वारा लगाए गए, हजार से ऊपर हैंड पंप उनके वहाँ लगे हुए होंगे आज भी। मुझे गर्व है मैं ऐसे माता पिता की, ऐसे परिवार की बेटी थी। मेरी माँ तो बहु प्रतिभा की धनी हैं। मेरे जितने भी गुण हैं मैंने अपनी नानी से और अपनी माँ से लिए हैं। मेरी नानी भी बहुत टैलेंटेड थी, बहुत बढ़िया सिंगर थी, बहुत सुंदर खाना पकाती थी, और मेरी माँ भी आपको जानकर ताज्जुब होगा कि उनको डॉक्टरेट की उपाधि लंदन से अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था। वो बहुत बड़ी कवित्री हैं, उनकी कविताएं निकल चुकी हैं, उनकी एक पुस्तक भी है अंजुरी में भरा मन। उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी के साथ अपना स्टेज को शेयर किया, माधवराव सिंधिया के साथ किया, राजराजे सिंधिया के साथ स्टेज शेयर किया, कल्याण सिंह जो उस समय के चीफ मिनिस्टर थे उनके साथ किया, और सबसे बड़ी बात है कि वो बहुत बड़ी धार्मिक हैं। उन्होंने धर्म की शिक्षा जो हमको दी वो आज भी हम उसको फॉलो करते हैं। हम पांच भाई बहन हैं और हम चार सिस्टर्स हैं। बड़ी बहन का नाम आभा महेश्वरी, मैं उसके बाद सेकंड नंबर मैं हूँ। थर्ड नंबर पे मेरी छोटी सी सिस्टर आती है जिसका नाम अंशु राठी है, और चौथे नंबर की सिस्टर है प्रिया महेश्वरी। और सभी लोग शादी हो चुकी है, अपने प्रतिष्ठित घराने में हैं, अपने बच्चों के साथ वो अपनी बहुत अच्छी लाइफ लीड कर रहे हैं। बचपन में मैं एक तो बहुत बिंदास थी, मैं बिल्कुल मस्त तबीयत की थी, और मेरा लालन पालन भी उसी तरीके से हुआ था। पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, अपने क्लास में हमेशा टॉप करती थी, और मैंने एट्थ क्लास में यूपी टॉप किया था। फिर मैंने टेंथ में गोल्ड मेडल जीता। मैंने एक पात्र प्ले किया था अशोका की माँ का, तो उसमें उन्होंने जो मेरा करेक्टर था तो उस करेक्टर को देख के वहाँ सब लोग रोए जब मैंने उसको प्ले किया। देखने के बाद उन्होंने फिर उठकर वहाँ से उठ के मुझे गोल्ड मेडल दिया और अपना शॉल उड़ाया। प्राथमिक शिक्षा मेरी शुरू में तो मैंने कासगंज से ही की, नर्सरी और सरस्वती शिशु मंदिर। उसके बाद फिर फिफ्थ के बाद
मैं बुलंदशहर चली गई थी, मेरे माता पिता का ट्रांसफ़र हो गया था जौनपुर। फिफ्थ और सिक्स क्लास मैंने फिर बुलंदशहर रह के पढ़ा, उसके बाद फिर मैं वापस कासगंज आई। कासगंज में राजकीय कन्या गर्ल्स कॉलेज में मैंने फिर शिक्षा ग्रहण की। इंटरमीडिएट मैंने वहीं पर किया। इंटरमीडिएट करते करते दौरान ऐसा मैं कॉलेज जा रही थी तो मेरे ससुर जी ने मुझे वहाँ देखा कि एक लड़की है, तो मैं घर पहुँचती उससे पहले वो मेरे घर पर पहुँचे हुए थे और उन्होंने बोला कि मैं आपके सामने झोली फैला रहा हूँ, मुझे आपकी बेटी चाहिए। तो मेरी माँ बोली वो तो बहुत छोटी है, मैं अभी इतनी जल्दी उसकी शादी नहीं करना चाहती। तो बोले उसकी जो इच्छा होगी मैं पूरी करूँगा, मैं आपके आगे प्रार्थना करता हूँ कि उसको बेटी को मुझे दे दीजिए। चार दिन पहले मेरी बड़ी बहन की शादी हो के चुकी थी और वो अपने हनीमून पर गई हुई थी, और चार दिन के बाद रिश्ता आया तो फिर मेरी माँ ने बिल्कुल मना कर दिया कि मैं, मेरी बेटी बहुत छोटी है, मैं नहीं शादी करूँगी। सब ने मना कर दिया। उसी समय मेरे घर में मेरे ताऊ जी के लड़के की शादी थी उसी दिन, तो सारे लोग इकट्ठे हो गए, इकट्ठे हो के समझाने लगे, बोले तुम पागल हो रही हो, किस आदमी को मना कर रही हो। मेरे फादर लॉ का इस नॉर्थ इंडिया में नाम था प्रताप स्टील, ही वॉज द चेयरमैन ऑफ प्रताप स्टील, आई एम रियली प्राउड ऑफ इट। एंड उन्होंने जो बनाया था इस परिवार को और उनका नाम पूरे भारत में, उनका नाम सबको मालूम है कि अमीर चंद जी क्या शख्सियत थे, और उन्होंने अगर ये रिश्ता मांगा है तो उन्होंने कहा इस रिश्ते को ना नहीं करना, और ये जो कहते हैं वो करते हैं। तो मेरे जो ताऊ जी थे वो इस परिवार के दामाद थे, तो उन्होंने बहुत प्रेशर किया कि बोले तुम इस रिश्ते को नहीं ठुकराओगी, ये बच्ची आपकी बहुत प्यार से बहुत अच्छे से रखी जाएगी, आप बिल्कुल चिंता मत करिए। मेरी माँ रोती गई और उसने कहा कि आप मुझे बहुत, सब लोग जिद कर रहे हो, पूरा समाज इकट्ठा हो गया कि आप क्या कर रही हो, क्या विडंबना कर रही हो कि इतने अच्छे परिवार में आपकी बच्ची जा रही है और आप उसको मना कर रही हो। फिर फाइनली मेरे पति देव को बोला गया कि जाओ मिलकर आओ, ये मुझे देखने आए, और देखते ही एक दूसरे की, हम दोनों को आंखों आंखों में एक दूसरे से प्यार सा हो गया, और उसी दिन हमारी शाम को सगाई हो गई और रिश्ता हमारा पक्का हो गया। जब भी मुझे मौका मिलता था मैं अपनी पढ़ाई की तैयारी करती रहती थी। बीए ऑनर्स की मैंने अंदर तैयारी की, फिर मैंने करेस्पॉन्डेंस से बीए ऑनर्स का पेपर भरा, तो मुझे बीए ऑनर्स किया। फिर मैंने बीए ऑनर्स करने के बाद फिर मेरा आगे पढ़ने का मन था, इसी समय फिर मेरी छोटी बेटी आ गई, परंतु पढ़ने की ललक मेरी कहीं भी कम नहीं हुई। मेरे हस्बैंड स्विट्ज़रलैंड पढ़ने के लिए गए हुए थे, तो मैंने अपने फादर लॉ को बोला मैं भी उनके साथ पढ़ने के लिए जाना चाहती हूँ, तो उन्होंने कहा कि ज़रूर तुम भी जाओ, तो वो भी मुझे अपने साथ में लेकर गए और हम दोनों ने वहाँ रहकर फिर MBA किया। मेरी शादी 1977 में हुई और 78 में मेरा पहला बड़ा बेटा अचल आया और 79 में दूसरा बेटा अखिल आया। मेरा बड़ा बेटा वो एक्सपोर्ट बिजनेस में है और साथ में शेयर ट्रेडिंग का काम भी करता है। बेटी उसकी शादी हो चुकी है, नाम उसका अदिति है, मेरे दामाद का नाम राहुल है, उसके दो प्यारे प्यारे छोटे छोटे दो बच्चे हैं अर्जुन और सहर, वो दोनों बच्चे मेरी जान हैं। मेरा एक पोता भी है बड़े बेटे का, उसका नाम रुद्रांश है। मेरे हस्बैंड अपने फादर के साथ ही स्टील इंडस्ट्रीज थी उनकी, तो प्रताप स्टील के नाम से, और हम लोग वीर प्रताप ट्रैक्टर भी बनाते थे, क्योंकि डाइडो स्टील जो जापान की सबसे बड़ी स्टील कंपनी है उसके साथ हमारी कोलैबोरेशन थी। फिर बेलारूस ट्रैक्टर की इन्होंने कोलैबोरेशन किया, उसके साथ इन्होंने काफ़ी मिलके काम किया। मेरे को मेरे माँ से सबसे पहला संस्कार मिला कि बड़ों से कैसे नम्रता से साथ रहना है और बच्चों से कैसे प्यार करना है, और भक्ति का मुझे मेरी माँ से मिला। मेरी माँ को बहुत ज्ञान है और मुझे उन्होंने मीरा जैसा प्रेम करना सिखाया, और कृष्ण मेरे आराध्य हैं, तो मुझे उन्होंने सिखाया, सही शिक्षा दी
मेरी पहली गुरु मेरी माँ ही बनी। हालांकि उन्होंने बोला कि जीवन में गुरु का होना बहुत आवश्यक है। फिर मैंने अपने गुरु भी बनाए जो आज परमार्थ निकेतन के चेयरमैन हैं, स्वामी चिदानंद जी मुनि जी, वो मेरे गुरु हैं और मुझे बड़ा गर्व है कि मैं ऐसी गुरु की शिष्या हूँ। पिताजी से मुझे धीरज, मेरे पिता बहुत सहनशील स्वभाव के थे, उनसे मैंने जो सीखा वो भी लॉयंस क्लब में प्रेसिडेंट रहे। जब वो प्रेसिडेंट रहे तो उन्होंने एक कैंप लगाया था कि जहाँ हैंडीकैप का कैंप लगाया था, तो वहाँ उन्होंने 4 दिन का कैंप लगाया था और उसी बीच में क्या हुआ कि बहुत तेज़ बारिश हुई। जहाँ कैंप लगाया तो जो हैंडीकैप लोग आए हुए थे तो उन लोगों को उठा उठा के अपने हाथ से गोदी में भर भर के उन्होंने दूसरी जगह ले जा के उनको स्थापित किया, सेफ जगह पर रखा। और जबकि वो खुद बहुत बीमार हो गए उसके बाद, परंतु उन्होंने उस सेवा के कार्य को किस तरीके से किया उसकी सराहना पूरी डिस्ट्रिक्ट में आज भी होती है। उनका नाम इतने सम्मान से लिया जाता है लॉयंस क्लब में कि हीरा लाल चोला जी एक कुहनूर हीरा ही थे। मेरे जीवन के प्रेरणा सूत्र मेरी माँ हैं, मेरे ससुर जी हैं और मेरे गुरु हैं। ये मेरे जीवन के प्रेरणा सूत्र हैं जिन्होंने, मैंने अपने जीवन का दर्शन इन्हीं से सीखा। जीवन में हमको कैसे चलना है, कठिन परिस्थिति में हमको कैसे रहना है, कैसे अडोल नहीं होना है। इससे ज़्यादा और बुरी स्थिति क्या हो सकती थी, किसी जवान बच्चे के साथ में आप हॉस्पिटल में ICU के बाहर बैठे हैं इस उम्मीद से कि आपका बच्चा ठीक होगा, और अंदर से जवाब आता है कि हमारे पास कोई आंसर नहीं है। परंतु मैंने साथ नहीं छोड़ा अपने गुरु का, अपने इष्ट का, जिन्होंने मुझे हर समय मुझे प्रेरणा दी। और मेरे इष्ट मिष्ट वो भी मेरे सब इतने अच्छे हैं, सब मेरा हमेशा भला सोचने वाले। मेरे जो जितने लोगों को मैं जानती हूँ सब मेरे बहुत प्यार करने वाले हैं। बिना डरे हुए, निडर होके, हर चुनौती मेरे लिए जीवन का एक नया प्रेरणा सूत्र है कि इससे मुझे क्या सीखने को मिलेगा। क्योंकि इसकी बच्चे की बीमारी में मैंने बहुत कुछ सीखा, ऐसा नहीं इसके पहले भी बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां आईं, पर ये तो हमारा एक टर्निंग पॉइंट हुआ। पर जीवन में बहुत सारी परिस्थितियां आईं, ऐसी आई, इतनी बड़ी फैक्ट्री में आग लग गई, घर में आग लग गई, घर में चोरियाँ हुई, परंतु हमने किसी भी परिस्थिति में मैं बिल्कुल नहीं डरी, किसी भी हालत में। इवन घर के अंदर चोर थे और मैं अकेली नीचे खड़ी हुई थी और चोरों को देख रही थी जाते हुए, वो चोर जा रहे हैं मेरे सामने, सामान उठा उठा के लेके जा रहे हैं, पर मैं बिल्कुल नहीं डरी और बड़ी संतुलन से मैंने सारे काम किए, अपने पति को बताया, पुलिस को बुलाया, जो भी एक्शन ले सकते थे उस समय हमने अप्रोप्रिएट एक्शंस लिए। डरने से कभी कुछ हासिल नहीं होता, हिम्मत आदमी के साथ हो, आपका विश्वास आपके साथ हो, तो आप बड़ी से बड़ी जंग फतेह कर सकते हैं। 1998 की बात है, वहाँ मुझे राष्ट्रपति जी से अवार्ड मिलने का लेटर आया, मुझे अवार्ड मिलना था वहाँ, और वहाँ मुझे अपनी कविता पाठ करनी थी। तो मैंने ये बात अपने घर पर बताई, पता नहीं क्यों उस समय मेरा पूरा घर मेरे इस बात के अगेंस्ट हो गया, मैं नहीं जानती क्यों, और उन्होंने कहा कि तुम वहाँ नहीं जाओगी। उस दिन मैंने संकल्प लिया, चाहे कुछ हो जाए मैं जाऊंगी ज़रूर और अपना अवार्ड लेकर आऊंगी। क्योंकि मेरे ससुर जी, उनकी आज्ञा बिल्कुल भी नहीं थी कि इनको घर से भी बाहर निकलने दिया जाए, तो मैं नहीं निकल पाई, तो मैं अपना दिल महसूस के रह गई। परंतु उस दिन मैंने ये संकल्प लिया, चलिए आज नहीं तो कल मैं कुछ ऐसा करूँगी और सबको दिखाऊँगी कि मैं कुछ कर सकती हूँ। उस दिन मेरे लाइफ का वो टर्निंग पॉइंट आया और मैंने अलका का एक अपने आप में नया रूप पाया। वो अलका कहीं मर चुकी थी, खो चुकी थी, जहाँ हताशा और दुख अवसाद से भरी हुई थी। मैंने कहा कोई बात नहीं, आज एक राष्ट्रपति पद एक प्रमाण पत्र नहीं मिला, कोई बात नहीं, मुझे वो प्रमाण पत्र चाहिए जो दुनिया कहे कि अलका ने कुछ किया, और वो मेरे प्रमाण पत्र साक्षी हैं कि मैंने कुछ किया। आज मेरे पास इतनी ट्रॉफीज़ हैं संस्था के द्वारा और मुझे इतना कुछ सम्मान मिला, जहाँ
मैं यकीन नहीं कर सकती कि जब मैं अपनी एक कविता एक मंच पर गा रही थी, वहाँ गोपाल दास नीरज कवि उठकर आए और उन्होंने मुझे गले लगाया और अपना शॉल मुझे उड़ाकर चले गए। तो मेरे लिए इससे बड़ा उपहार कुछ नहीं हो सकता। सक्सेस मंत्र है कि कभी भी आप अपने इष्ट को मत भूलिए, अपने प्रभु को मत भूलिए किसी भी परिस्थिति में। दूसरा मंत्र ये है कि आप सच्चाई पर सदा रहिए, सच्चाई से मत हटिए। तीसरा मंत्र है आप प्यार से और नम्रता से कोई भी जीत हासिल कर सकते हैं। गुस्सा क्रोध से आपको कभी कुछ नहीं मिलेगा, प्यार से और नम्रता से आप बुरे से बुरी परिस्थिति में आप जीत लेंगे। सफलता का सूत्र यही है, धीरज रखिए, धैर्य आपके साथ होगा तो आपको जीत कहीं भी हासिल होगी। हिम्मत होनी चाहिए आपके अंदर और किसी भी जंग को लड़ने का साहस होना चाहिए। सुबह मैं 5:30 और 6 के बीच में उठती हूँ और जिसमें सुबह उठ के अपना योग साधना अध्यास ये सब मेरा चलता है। उसके बाद फिर मैं ब्रह्म कुमारी से जुड़ी हुई हूँ, उनका सुबह ऑनलाइन क्लासेस होती हैं तो वो मैं अटेंड ज़रूर करती हूँ। उसके बाद फिर मेरी गीता क्लासेस होती हैं, गीता क्लासेस करती हूँ। गीता क्लासेस के बाद फिर अपना सबने ब्रेकफास्ट वगैरह लिया, सब लोग अपना ब्रेकफास्ट करके, जो इनको काम पे जाना हुआ किसी काम पर तो ये निकल गए। मैं आजकल तो लॉकडाउन के बाद तो हम लोग कहीं बाहर जाते ही नहीं हैं, अदरवाइज़ मैं इतनी सोशल थी मेरी हर रोज़ की एक एक्टिविटीज़ होती थी। हर रोज़ मुझे किसी ना किसी क्लब का इनविटेशन होता था, हर रोज़ मुझे कहीं ना कहीं कोई चैरिटी वर्क करना होता था, हर रोज़ मेरा कोई ना कोई प्रोजेक्ट होता था। परंतु ये थोड़ा सा लॉकडाउन की वजह से कोविड ने हमको कुछ आचार सिखाया तो कुछ व्यवहार सिखाया, कुछ सभ्यता सिखाई कुछ व्यवहार सिखाया। तो हमने सीखा कोविड पीरियड में अपने आप को संयमित करके कैसे चल सकते हैं। तो अभी इतना आना जाना तो नहीं हो रहा, परंतु मैं घर में अपने काम में और उसके बाद फिर लंच लेते हैं हम लोग सब बैठकर, लंच करने के बाद थोड़ा आराम धूप सेकते हैं, आजकल तो धूप इतनी बढ़िया आ रही है तो धूप सेकते हैं। उसके बाद शाम को इवनिंग टी के बाद शाम को थोड़ी देर टीवी देखा। मैं तो ज़्यादातर मेरे को जो चैनल पसंद है वो स्पिरिचुअल चैनल ही ज़्यादा देखती हूँ, जहाँ कुछ सीखने को मिलता है, प्रीचेस हमें कहीं से अच्छी चीज़ सीखने को मिले। मुझे घूमने का बहुत शौक है, बहुत घूमने का शौक है, और मैं दुनिया भर में पूरा अमेरिका में घूम चुकी हूँ, यूरोप पूरा घूम चुकी हूँ, जर्मनी पूरा घूम चुकी हूँ, स्विट्ज़रलैंड वहाँ तो मैं रही 3 महीने, वहाँ रह कर पढ़ाई की तो वहीं रही थी मैं 3 महीने, और इंडिया में तो शायद सारे मैंने तीर्थ जहाँ तक हैं पूरे कर लिए हैं। 2-4 ज्योतिर्लिंग मेरे बकाया रह गए हैं, भगवान से प्रार्थना करती हूँ वो मेरे पूरे करा दें। केदारनाथ मैं नहीं जा पाई हूँ। तो घूमने का इतना शौक है, मैंने आप यकीन मानेंगे मैंने गुलमर्ग में खड़े होकर डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, बर्फ़ पड़ रही थी इतनी ज़्यादा और सारे लोग कमरे के अंदर दुबक के बैठे हुए थे, मैंने सबको बाहर निकाला और मैंने कहा चलो आओ एक डॉक्यूमेंट्री पिक्चर बनाते हैं। तो फिर सबको मैंने इन्वॉल्व किया और वहाँ हमने खूब इंजॉय किया उस बर्फ़ में, जहाँ लोग ठंड की वजह से डर रहे थे और हमने उस बर्फ़ का इतना, लोग तरस रहे थे, 10-10 दिन से रुके हुए थे कि बर्फ़ पड़े तो देखें। तो मैंने कहा आप देखो जो चीज़ मिल रही है वो नज़ारा हम ले नहीं पा रहे हैं और छुप के बैठे हुए हैं कमरे में, तो आओ सब मिलके खुशी मनाएं। तो खूब हम लोगों ने एंजॉय किया। तो सारे तीर्थ मैंने किए हुए हैं, रामेश्वरम, द्वारका, बद्रीनाथ, जगन्नाथ धाम, सब जगह होकर आई हुई हूँ। और मथुरा वृंदावन तो मेरा अपना घर आंगन है। जब मेरा मन होता है, जब मेरा मन करता है कि बिहारी जी से मिलना है, गाड़ी पकड़ी और मैं पहुँच जाती हूँ। मुझे डांसिंग करना बहुत अच्छा लगता है, सिंगिंग करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, ड्राइंग मेरा एक पैशन है, मेरा एक ये आर्ट है कि मैं चीज़ों का कलेक्शन करके उसका कुछ नया क्रिएशंस कर देती हूँ। ये मेरी अपनी एक आर्ट है कि कुछ भी पुरानी चीज़ें, टूटी फूटी चीज़ें लेके
उसका कुछ भी बना देती हूँ, पॉट बना देती हूँ या कुछ भी बना देती हूँ। जन सेवा करना, समाज की सेवा करना, ये मेरा एक पैशन है। मुझे फिल्में देखने का बहुत शौक है और गाने सुनने का भी बहुत शौक है। चूँकि मैं गाती भी हूँ तो मुझे बहुत शौक है। और मेरे पसंदीदा एक्टर अपने समय के जो रहे हैं, धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन तो सभी के रहे ही हैं, पर विनोद खन्ना मेरे को बहुत फेवरेट रहे हैं। और स्पेशली संजीव कुमार को मैं बहुत रिगार्ड करती हूँ, उनकी प्रतिभा शैली उनकी गजब थी। बहुत मज़ा आता है पिक्चर देखने में और मैं उसको पूरा फुल इन्जॉय करती हूँ। जो रोने वाली होती हूँ तो उसमें रोती भी उतना ही हूँ। और एक पिक्चर जो कोशिश मुझे बहुत अच्छी लगी, जो मेरे जीवन पे एक अमिट छाप छोड़ गई कि गूंगा बहरा इंसान भी अगर कोशिश करे तो क्या नहीं हो सकता। वैसे तो मैं खुद भी लिखती हूँ, तो मैं चाहूँगी तो ये कि मैं अपना लिखा हुआ आपको सुनाऊँ। आओ मिलकर हम सब खुशी मनाए, हम जीवन की सरगम पर एक गीत गाए, हम आओ हम सब मिलकर कुछ खुशी मनाए, हम जीवन की सरगम पर एक गीत गाए, हम सन 2021 में कुछ ऐसा कर जाए, हम सन 2021 में कुछ ऐसा कर जाए, हम हंसने और हंसाने का उद्देश्य मनाए, हम दुख और पीड़ा की आंधी को दूर भगाए, हम दुख और पीड़ा की आंधी को दूर भगाए, हम दुखियों की सेवा करने का प्रण उठाए, हम नया साल है नई उमंग है नई आशाएं हैं, नया नया कुछ करने का हौसला दिखाएं, हम नया नया कुछ करने का हौसला दिखाएं। दुख ना रहे संसार में ऐसा संकल्प ले, हम दुख न रहे संसार में ऐसा संकल्प उठाएं, हम हर एक रोते प्राणी के चेहरे पर हंसी दिलाएं, हम हर एक रोते प्राणी के चेहरे पर हंसी दिलाएं, हम आओ मिलकर इस संसार को सुंदर बनाएं, हम आओ मिलकर इस संसार को सुंदर बनाएं, हम खुशियों और उत्साह का दीपक जलाएं, हम खुशियों और उत्साह का दीपक जलाएं, हम। मैं उतनी ही धार्मिक हूँ जितनी धार्मिक एक व्यक्ति को होना चाहिए। धर्म हमको, धर्म का मतलब ये नहीं है कि आप किसी चीज़ के साथ रिजिड हो जाओ। धर्म हमको कभी भी ये नहीं सिखाता। धर्म हमको विजडम देता है, ज्ञान देता है। धर्म के साथ आप ज्ञान सीखते हैं और ज्ञान से आप जानते हैं कि हर व्यक्ति के अंदर आत्मा का निवास है। आप जो आप हैं वो सामने वाला है, तो आप किसी को अपने से छोटा मत समझिए। कोई आपसे छोटा नहीं है और कोई आपसे बड़ा नहीं है। तो जब आप धर्म की ये परिभाषा समझ लेते हैं कि हर व्यक्ति के अंदर ईश्वर का निवास है और हर व्यक्ति आपको प्रभु का ही रूप है, तो आप वो धर्म, सारा धर्म उसमें समाहित हो जाता है। आपने जब आत्मा और परमात्मा का ज्ञान जान लिया, आपने समझ लिया कि ईश्वर क्या है। धर्म हमको किसी एक विषय में नहीं बांधता, धर्म हमको एक सूत्र में बांधना सिखाता है। लॉयंस में मैं जुड़ी सन 2003 से। उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ती चली गई। लॉयंस हमारे सामाजिक कार्य में हर रूप से तत्पर है, चाहे वो विकलांगों की सेवा हो या आईसाइट हो या भूखे को खाना देना हो या किसी गरीब का तन ढकना हो। लॉयंस किसी भी सेवा के क्षेत्र में पीछे नहीं है। यही कार्य रोटरी का भी यही है। दोनों के सेम ही कार्य हैं। संस्था के नाम अलग अलग हैं पर सेवा के कार्य दोनों के सेम हैं। ब्लड डोनेशंस के कितने हजारों कैंप लगते हैं हमारे, रोटरी भी हजारों कैंप लगाते हैं। IWC जो इनर व्हील क्लब की मैं बात कर रही हूँ,
ये भी सेवा के क्षेत्र में ही हैं। और ये चूँकि महिलाओं का स्पेशली विंग है, ये महिलाओं द्वारा ही चलाया जा रहा है, पर जिस इस क्षेत्र में जो महिलाएं काम कर रही हैं, ट्रिमेंडसली काम हो रहे हैं, लोगों ने गांव के गांव एडॉप्ट किए हुए हैं, उन गांव की सेवा हो रही है। 100 गांव हम लोगों ने भी एडॉप्ट किए हुए हैं उत्तराखंड में, और उसकी हम सेवा कर रहे हैं। जितने गांव के अनाथ बच्चे हैं, जिन जो सक्षम नहीं हैं, जिनके पास धन नहीं है, उन बच्चों को स्पेशली हम लोग पढ़ाई करा रहे हैं। और उसके अलावा मैं अपनी बहुत सारी सामाजिक संस्थाओं से जुड़ी हुई हूँ, जैसे महिला मंगल है, स्वर मंजरी है, स्वांत सुखाए, ये एक मेरा स्पेशल क्लब है जहाँ हम महिलाएं सब अपनी इच्छा अनुसार अपना सब कुछ करती हैं। और इतना सुंदर क्लब है ये मेरा। वैसे तो सभी मेरी संस्थाएं बहुत अच्छी हैं, परंतु इस क्लब की विशेषता ये है कि बिना धन के हम कैसे धनी बन सकते हैं, ये मुझे इस संस्था ने सिखाया। सब ऊपर वाला देता है, मैं खुद नहीं जानती मेरे अंदर वो कहाँ से इतनी एनर्जी आती है, कहाँ से इतना मैं कुछ कर लेती हूँ, मैं खुद नहीं समझ पाती। कई बारी जब मैं अपने आप बैठती हूँ, पर इसका जो विशेष जो बताती हूँ, सबसे ज़रूरी है आपको ध्यान और साधना। जब तक आपका दिनचर्या में ये नहीं होगा, ध्यान और साधना नहीं होगा, आप कुछ नहीं सीख पाएंगे। क्योंकि आपको अपने किसी भी चीज़ के लिए कॉन्सेंट्रेट करना है, अपनी माइंड को बैलेंस करना सबसे ज़रूरी है। अगर आपका माइंड बैलेंस नहीं होगा, आप किसी काम कार्य क्षेत्र में बढ़ ही नहीं सकते हैं। माइंड तो आपका इधर पजल्ड है, उधर पजल्ड है, इस बात में लगा हुआ है, और करना तो आप बहुत कुछ चाह रहे हैं, कैसे कर पाएंगे, फोकस नहीं होगा। तो उसके लिए सबसे ज़रूरी है अपनी दिनचर्या में प्राणायाम जोड़िए, साधना करिए, थोड़ी बहुत हल्की फुल्की एक्सरसाइज करिए, और अपने आप को खुश रखिए। सपने तो हमने बहुत देखे, और मैंने क्या क्या बनना था, मुझे गवर्नर बनना था, परंतु नहीं बन पाई। सपने तो आज भी बहुत हैं कि ज़िंदगी में मुझे आगे बहुत कुछ करना है, और जो मैंने सोचा हुआ है, मैं एक तो चाहती हूँ कि एक ओल्ड एज होम वो ज़रूर बनाऊँ मैं। तो अपने समाज को मैं जो एक दिशा देना चाहती हूँ, स्वस्थ समाज हो मेरा, सुंदर समाज हो, और बुज़ुर्गों की जहाँ इज्जत हो, प्यार हो, बच्चों से स्नेह हो, सही रास्ते पे चलें, जो ड्रग की दुनिया बनी हुई है, उस ड्रग की दुनिया से उन बच्चों को बाहर निकालो। मेरे जीवन में मेरा सपोर्ट मेरे पति का और मेरी माँ का सबसे बड़ा सपोर्ट रहा। विकट से विकट परिस्थिति में इंसान खुश कैसे रह सकता है, ये मैंने अपने पति से सीखा। फैक्ट्री में आग लग रही थी, और मैंने जब मुझे पता चला, ये तुरंत भाग कर गए। मैंने इनसे पूछा कि क्या हुआ, बोला कुछ नहीं, मस्त रहो, कल फिर नया दिन शुरू होगा। जबकि सब कुछ चल चुका था, ख़त्म हो चुका था सब कुछ। फिर मुझे ये लगा कि बिल्कुल ख़त्म हो चुका, उसके बाद हम कैसे नए सिरे से उठेंगे, परंतु हिम्मत नहीं आ रही, और इन्होंने फिर दूसरा काम शुरू करा। दूसरे दिन से फिर इन्होंने, तो मैं बहुत बड़ा प्रेरणा स्रोत्र मेरे पति को मानती हूँ। हालांकि देखने में ऐसे नहीं लगते, इतने गंभीर हैं, परंतु इनमें बहुत डेप्थ है, बहुत गंभीरता है। ये समय की नज़ाकत के हिसाब से कैसे इस परिस्थितियों को संभाल लेते हैं, ये अद्भुत है। सबसे युवा पीढ़ी को सबसे पहले अपनी सभ्यता, अपनी राष्ट्रीयता को कभी नहीं भूलना चाहिए। और हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं समाज की, देश की, सबसे पहले अपने घर वालों को प्रेम और सम्मान देना सीखें, उनको, अपने बड़ों को इज्जत दें, छोटे को प्यार दें, अपने बुज़ुर्गों को मान सम्मान दें। ये मेरा उस युवा पीढ़ी को एक बहुत बड़ा संदेश है जो कि भटक गए हैं आज, क्योंकि उनके पास कोई उनको सही गाइडलाइन देने वाला नहीं है, सही डायरेक्शन देने वाला नहीं है, जो कि आज नशे में फंसे हुए हैं। वो नशे का शिकार इसीलिए होते हैं जब उनको कोई सही दिशा देने वाला नहीं होता। तो उनसे मेरी करवद्र प्रार्थना है कि इस तरफ ना जाएं, और अपने देश को बचाएं,
अपने देश के मान को बचाएं। आपके देश से बढ़कर सम्मान कोई दूसरा सम्मान नहीं है। मेरे मन में एक दिन विचार आया कि मरने के बाद हमारा शरीर पंच तत्वों में मिल जाएगा और हम मरने के बाद इस शरीर का तो कुछ भी नहीं होना। तो मैंने एक संस्था से मैं मिली और वहाँ उनकी बातों से मैं इतनी इंस्पायर हुई, तो मैंने उसी क्षण उनको मैंने अपनी बॉडी को डोनेट करने का प्रण बना लिया और मैंने उस संस्था को अपनी ये बॉडी डोनेट कर दी। मैं छः साल पहले ये अपनी बॉडी को डोनेट कर चुकी हूँ। तो मेरा ये समाज को मैसेज है कि देखिए, हम मरने के बाद इस शरीर को मिट्टी में ही मिला देते हैं। अगर हम मरने से पहले किसी को जीवन दे दें, तो इससे बड़ा जीवन आपका जीवन है से बढ़ के जीवन कुछ नहीं है।